और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाए बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से कम साइज के फटने वाले इमेज को HD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये इमेज है जिसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो साइज है वो केवल 460 KB है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी कम साइज के इमेज को, किसी भी फटने वाले इमेज को HD में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि दोस्तों आप किसी भी कम साइज के इमेज को HD में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसे पिक्चर्स है जो कि फटते हैं और उसको आप HD में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फोटो एडिटर। इसकी लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी इसको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद फिर आप इस ऐप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से आपको जिस भी इमेज को HD में कन्वर्ट करना है, जिसकी भी साइज आपको बड़ी करनी है, इसके लिए आपको यहाँ से इस फोटो का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको जहाँ से भी अपना जो भी इमेज की साइज को कन्वर्ट करना है, जिसको भी आपको HD में कन्वर्ट करना है, उसको यहाँ से चूज करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है, मैं चाहता हूँ मुझे इसको HD में कन्वर्ट करना है, इसकी जो साइज है इसको मुझे बड़ा करना है, तो मैं इसको यहाँ से चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद हमें नीचे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। पर फिलहाल दोस्तों यदि आप अपने जो इमेज की जो साइज को रिसाइज करना चाहते हैं, उसको HD में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इन ऑप्शन को यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ रिसाइज, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आके दोस्तों आपको अपने फोटो की जो साइज है उसको जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं उतना आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी जो फोटो की जो साइज है वो फटने वाली नहीं है। तो आपको यहाँ पे कई प्रकार की साइज दी हुई है, आप जो भी डायरेक्ट यहाँ से लेना चाहते हैं केवल आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से जो मैक्सिमम है वो ले लेता हूँ। यदि आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ से नीचे से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी जो फोटो की साइज है वो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है और जिससे कि आपके जो फोटो है वो फटते नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फोटो की साइज है वो ज़्यादा हो चुकी है। पहले जब हमारी फोटो की साइज कम थी तो ये साइज इतनी थी, अब यदि आप यहाँ से इसको ज़्यादा करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारी जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब बढ़ने के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने फोटो को सेव करना है, तो यहाँ पे आपको जो राइट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो फोटो है वो यहाँ पे प्रोसेस में हो जाता है। इसके बाद यदि आप अपने फोटो को जूम करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसे जूम करके देख सकते हैं कि आपका फोटो फटता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो फोटो वो फटने वाला नहीं है क्योंकि हमने इसकी साइज को बड़ा कर लिया है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने इमेज को डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको गैलरी पे क्लिक करना है और गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी इमेज की जो साइज है उसको आप रिसाइज करके बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो इमेज है वो फटता नहीं है और उसकी साइज आप जितनी भी बड़ी करना चाहते हैं उतनी बड़ी आप इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब का बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।